ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑनलाइन सटोरियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि गोविंदपुरी में लक्ष्मी अपार्टमेंट के पास ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दो व्यक्ति मोबाइल पर आईपीएल मैच पर रुपयों का हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिलाते हुए मिली। पुलिस टीम को देखकर दोनों संदिग्धों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि वो चेन्नई सुपर किंग व राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। पकड़े गए दोनों सटोरियों की तलाशी लेने पर 70,000 रुपए नगद, दो सैमसंग कंपनी के मोबाइल व एक हिसाब किताब की कॉपी को जब्त किया गया। पकड़े गए दोनों सटोरियों के मोबाइल में पुलिस को 1 करोड़ से अधिक का हिसाब किताब भी मिला है। पकड़े गए सटोरियों द्वारा ऑनलाइन साइट के लिंक भेजने वाले व्यक्ति के संबंध में बताया गया कि जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा लोकल थानों की मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आईपीएल में जो सटोरिया जो सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाकर अभी तक लगभग 30 से ज़्यादा कार्रवाई की जा चुकी है। इसी तारतम में कल सूचना मिली थी कि ताडीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक जो एमजी एक्टिव गाड़ी है जिसमें कि दो लड़के हैं और व्हाइट कलर की गाड़ी है, इसमें संभवतः ये लोग आईपीएल का सट्टा खिला रहे हैं। तो इस आधार पर तत्काल घेराबंदी की गई और ताडीपुर थाने की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और गाड़ी को रोका गया और उसके मोबाइल की उनकी तलाशी ली गई। मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल से वो आईपीएल जो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई का जो मैच चल रहा था उसके बीच सट्टा खिलाते हुए पाए गए। उनके द्वारा आईडी भी उसमें मिली, लगभग उसमें 20 क्लाइंट आईडी मिली है, 200 कस्टमर्स मिले हैं और उसमें 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन मिला है। इनके पास कब्जे से कुल 8,000 रुपये मिले हैं, एक मोबाइल मिला है, एमजी एक्टर गाड़ी। तो कुल मिलाकर ये जो वेबसाइट भी थी, वेबसाइट भी 99 हब थी। तो थाना थाडीपुर में इनके खिलाफ 4AM गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर और इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें आईपीसी सेक्शन 109 भी लगाया गया है क्योंकि तो इन्होंने जो जिनसे आईडी ली थी वो भी यहीं का रहने वाला है, तो उसकी भी जल्दी ही उसको भी हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जाएगी। इसी तरह से एक तो सूचना और मिली थी कि गोविंदपुरी में जो लक्ष्मी अपार्टमेंट है उसके फ्लैट में एक दो व्यक्ति हैं जो कि सट्टा खिला रहे हैं। तो साधारण तत्काल सर्चिंग की गई और वहाँ पर जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके मोबाइल पर, दोनों के मोबाइल पर ये आईडी मिली और इसमें ऑनलाइन सट्टा लाइव चल रहा था जिसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई के बीच चल रहा था। तो फिर इनसे जब पूछताछ की तो उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। उनके मोबाइल में भी 1 करोड़ से अधिक का उसमें ट्रांजेक्शन मिला है और उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग क्लाइंट्स बनाकर और आईडी देते हैं जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो सीधे आईडी से डायरेक्ट खेलते हैं। और ये भी जो वेबसाइट थी 99 हब वेबसाइट पर खिला रहे थे तो इनके कब्जे से 2 मोबाइल और एक एलईडी और दूसरा 70,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं और केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।